वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है वैकेंसी से रिलेटेड न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए गल्फ़ के लिए रिक्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छी कंपनियों के लिए, फ्रेशर और रिटर्नर सभी के लिए है। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे जिससे आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो रिक्वायरमेंट होगा ये सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट हैवी इक्वायरमेंट कंपनी के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी होंगी मेंटेनेंस सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, डीलरशिप के लिए डीजल मैकेनिक की रिक्वायरमेंट हैवी इक्वाइपमेंट के लिए मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है। इन वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपको रिलेटेड फील्ड से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है गल्फ का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स मेल कर दें या इनको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इनके ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ये अल यूसुफ इंटरप्राइजेस ऑफिस से सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी ओमान के लिए रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म जॉब के लिए। ये ऑयल एंड गैस कंपनी है, इसका क्लाइंट इंटरव्यू आज 9 मार्च को हो रहा है ऑफिस में। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है मेंटेनेंस सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ ऑटो पेंटिंग वर्क में और या फ्लीट मेंटेनेंस सुपरवाइजर में ऑयल एंड गैस फील्ड का, तो आप इस अप्लाई कर सकते हैं। टायरमैन की रिक्वायरमेंट है, इनके पास भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ITI या ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए टायर मेंटेनेंस का 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है, इनके पास भी क्वालिफिकेशन ITI और ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी वैकेंसियों के अप्लाई करना चाहते हैं, आपको रिलेटेड फील्ड से गल्फ का एक्सपीरियंस हो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में ऑफिस में विजिट कर सकते हैं जिसका इंटरव्यू चल रहा है। ये ओमान के लिए रिक्वायरमेंट है अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस से। नेक्स्ट वैकेंसी यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है, ये एशियन रेस्टोरेंट के लिए। इसका क्लाइंट इंटरव्यू मुंबई में 14 मार्च को हो रहा है और दिल्ली में भी होगा जो 16 मार्च को होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी होंगी जापानीज चीफ की रिक्वायरमेंट है, सॉस चीफ चाहिए CDP, एशियन सॉस चीफ की रिक्वायरमेंट है एशियन CDP, सोसी कुक की रिक्वायरमेंट है DCTP, कॉमी चाहिए 1, 2, 3 के लिए एशियन क्यूजन चाइनीज थाई जापानीज में। ब्रेकफास्ट चीफ की रिक्वायरमेंट है कॉन्टिनेंटल में, दम सम स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ब्रिस्टा और वेटर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको रिलेटेड फील्ड से एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट या होटल से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर दे info@beeraInternational.com पे। ये बीरा इंटरनेशनल ऑफिस से यूनाइटेड अरब इमीरात के लिए रिक्वायरमेंट है जिसका क्लाइंट इंटरव्यू भी होने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, ये FMCG कंपनी के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है मशीन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, इनका एक्सपीरियंस FMCG कंपनी से होना चाहिए पैकिंग एंड मशीन का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इनका एक्सपीरियंस FMCG कंपनी में लैब टेक्नीशियन का है, तो अप्लाई कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है, इनको भी FMCG कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोडर क्रेन और दूसरे हैवी इक्विपमेंट का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इक्विपमेंट के लिए मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है, इनका भी FMCG कंपनी से फूड फैक्ट्री से एक्सपीरियंस है जूस लाइन पैकेजिंग मशीन का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन चाहिए इक्विपमेंट के लिए, इनका भी फूड फैक्ट्री से एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टील वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, इन सभी वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपको फूड कंपनी से एक्सपीरियंस है FMCG कंपनी का, तो आप इसके लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट कर सकते हैं। ये दिल्ली के सुमन मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑफिस से सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए रिक्वायरमेंट है, ये इसका क्लाइंट इंटरव्यू बहुत ही जल्द होने वाला है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी स्काफ होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है PTW होल्डर में। इसे अप्लाई करने के लिए आपका सैलरी रहेगा 2000 कतरी रियाल। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ और आपका एज जो है 40 साल के नीचे होना चाहिए। स्टाफ होल्डर की रिक्वायरमेंट है, इसमें आपका सैलरी रहेगा 1200 कतरी रियाल। इनके पास भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए और कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ एज जो है आपका 30 साल के नीचे होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन इस ऑफिस में आपका कोई सर्विस चार्ज भी लगेगा जो 17,700 रुपये लगेगा ऑफिस चार्ज आपका टोटल लिया जाएगा, अगर ये लॉन्ग टर्म जॉब के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करना चाहते हैं कतर के लिए, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट कर सकते हैं। पासपोर्ट आपका ECNR होना चाहिए, इसमें ओवरटाइम भी रहेगा 8 घंटे ड्यूटी के बाद। आप ट्रेलेंट्रियो ऑफिस में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, कतर के लिए रिक्वायरमेंट है ट्रेलेंट्रियो ऑफिस से। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के लिए। इसका क्लाइंट इंटरव्यू बहुत ही जल्द होने वाला है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है ट्रेलर ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपका एक्सपीरियंस जो है बूम ट्रक, डंप ट्रक और मिक्सर का है
और आपके पास वैलिड या एक्सपायर सऊदी का लाइसेंस है, एज आपका 40 साल के नीचे है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर दें mg26@mqwala.com पर। ये MQwala ग्लोबल ऑफिस से सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, स्टील प्लांट के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, कोल्ड प्रोसेसिंग मिल ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेम्पर मिल ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, पुश पिकलिंग लाइन एंड एसिड रेफ्रिजरेशन प्लांट के ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। कंटिन्यूज गल्वानाइजिंग लाइन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, कास्टिंग स्टैंड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, डिस्चार्ज ऑपरेटर स्टील कास्टिंग की रिक्वायरमेंट है। इन सभी वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपको 5 साल का रिलेटेड फील्ड से एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई करें। और आपको अप्लाई करने के लिए जो है इंग्लिश बोलने लिखने पढ़ने का भी नॉलेज होना चाहिए, और आपका एज जो है 26 साल से 35 के अंदर ही होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर दें mg33@mqwala.com पर। ये MQwala ग्लोबल ऑफिस सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, पाइपलाइन सर्विस कंपनी के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, लिक्विड नाइट्रोजन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा इक्विपमेंट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्रेसर मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है, इसे भी अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर दें mg33@mqwala.com पर। ये MQwala ग्लोबल ऑफिस है सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी ओमान के लिए रिक्वायरमेंट है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म जॉब है, बहुत ही जल्द फ्लाइट होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, परमिट होल्डर की रिक्वायरमेंट है सिविल में, इनके पास पीडीओ अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रेलर ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास ओमान का ड्राइविंग लाइसेंस है पीडीओ सर्टिफिकेट के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, तो इसका शॉर्ट लिस्टिंग आज 9 से लेकर के 11 मार्च तक चल रहा है, आप अपने नियरेस्ट ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली, कोलकाता, बड़ोदरा, बैजाग, चेन्नई, कोची, मुंबई, जो भी आपका नियरेस्ट ऑफिस है वहाँ पे आप विजिट करें सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस में। ये सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस से ओमान के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी दुबई के लिए रिक्वायरमेंट है, ये ऑफशोर में शिपिंग मरीन कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, मरीन फिटर, मैकेनिकल फिटर, मरीन मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI या डिप्लोमा, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपेयरिंग एंड फिटिंग में मरीन इंजन का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल फोरमैन की रिक्वायरमेंट है इंजन के लिए, इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मरीन ऑयल एंड गैस ऑफशोर प्रोजेक्ट का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका इंटरव्यू चल रहा है, आज 9 और 10 मार्च तक चलेगा, आप अपने नियरेस्ट ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। मुंबई, चेन्नई, कोची, बड़ोदरा, कोलकाता, बैजाग, जो भी आपका नियरेस्ट स्टेट है वहाँ के सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस में विजिट करें। ये सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस से दुबई के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी ओमान के लिए रिक्वायरमेंट है, पावर एंड वाटर इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, मैकेनिकल फोरमैन की रिक्वायरमेंट है MEP के लिए, मेसन चाहिए ब्लॉक प्लास्टर में, मेसन की रिक्वायरमेंट है टाइल और फिनिशिंग के लिए, स्ट्रक्चर फिटर और प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट आपका ECNR होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आप मुंबई, दिल्ली, कोची, जो भी आपका नियरेस्ट स्टेट है सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट ECNR होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई करें। सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस है, ये ओमान के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, एयरलेस क्वार्टर की रिक्वायरमेंट है अरामको सर्टिफिकेट के साथ। इसे अप्लाई करने के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल करके अप्लाई करें। ये सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी बहरीन और दुबई के लिए रिक्वायरमेंट है। बहरीन के लिए क्लाइंट इंटरव्यू 10 मार्च को मुंबई में हो रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, एल्युमिनियम फैब्रिकेटर और फिटर की रिक्वायरमेंट है। बहरीन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, साइट मैनेजर, इनके पास BTech होना चाहिए सिविल में और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, इनके पास भी BTech होना चाहिए 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। दुबई में शिपयार्ड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, फोरमैन चाहिए और सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। शिपयार्ड के लिए पाइपिंग स्ट्रक्चरल के लिए रिक्वायरमेंट है, सो फोरमैन और सुपरवाइजर।
और फिट आउट कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है दुबई में साइट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। फिट आउट में इनके पास क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दुबई का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें आपका जॉब है, आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आप पायोनियर ट्रॉल्स ऑफिस में अपना डॉक्यूमेंट मेल करके अप्लाई करें और क्लाइंट इंटरव्यू के दिन आप ऑफिस विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये बहरीन और दुबई के लिए पायोनियर ट्रॉल्स ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी ओमान के लिए रिक्वायरमेंट है, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है। टायरमेंट की रिक्वायरमेंट हैवी व्हीकल के लिए, ऑटो स्प्रे पेंटर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी रहेगा 120 ओमानी रियाल। इसे अप्लाई करने के लिए आपका पासपोर्ट ECNR है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करना चाहते हैं तो आप तरहान कंसुलेंट ऑफिस में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ये मुंबई के तरहान कंसुलेंट ऑफिस से ओमान के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है ऑयल एंड गैस कंपनी के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है। QC सिविल इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट है और QC टेलीकम्युनिकेशन इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास रिलेटेड फील्ड से कम 7 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास CBT सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर सकते हैं kyle@dss-hr.com पे, या कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये डायनामिक ऑफिस सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए रिक्वायरमेंट है, यह प्लांट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है। फील्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन चाहिए, कंट्रोल रूम के लिए ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है और HVAC टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपका एज जो है 25 साल से लेकर के 45 के अंदर होना चाहिए और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फील्ड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट इनको मेल कर सकते हैं hr.meenalimited@gmail.com पे। ये मीना सपोर्ट सर्विस ऑफिस से कतर के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है हिलवा वाटर कंपनी के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है। बैन सेल्समैन कम ड्राइवर और बैन ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आप एक का गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास गल्फ का लाइसेंस होना चाहिए और आपको इंग्लिश हिंदी अरबिक का नॉलेज होना चाहिए और ड्राइविंग में आपको ड्राइनर का गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है। आपका एज 35 साल के नीचे है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हैं इंटरेस्टेड है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको व्हाट्सअप या ईमेल कर दे या इनके वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये अली यूसुफ इंटरप्राइजेज ऑफिस सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी यूनाइटेड अरब इमारत में हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल में कैटरिंग कंपनी के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी होंगी। COMI 1 की रिक्वायरमेंट है, COMI 2 चाहिए। COMI 1 का सैलरी 1800 दरहम रहेगा, COMI 2 का सैलरी 1500 दरहम रहेगा। फूड सर्विस के लिए सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 2000 दरहम रहेगा। फूड सर्विस केयर गिवर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 1300 दरहम रहेगा। फूड सर्विस रनर की रिक्वायरमेंट है, इनका सैलरी 1200 दरहम रहेगा। किचन स्टेवर्ड की रिक्वायरमेंट है पोर्टवास में, इनका सैलरी 1000 दरहम रहेगा। इसे अप्लाई करने के लिए आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए और रिलेटेड फील्ड से आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसका 10 मार्च को एक क्लाइंट इंटरव्यू हो रहा है, आप अपना डॉक्यूमेंट शॉर्ट लिस्टिंग के लिए सबमिट कर दें। यह बीरा इंटरनेशनल ऑफिस से यूनाइटेड अरब इमारत के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है हेवी इक्विपमेंट के लिए मेंटेनेंस वर्कशॉप में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, डीजल के लिए हेवी इक्विपमेंट मैकेनिक चाहिए। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI या डिप्लोमा और मेंटेनेंस सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। इनका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एक्सपीरियंस होना चाहिए डीलरशिप में और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसियों के अप्लाई करने के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है इक्विपमेंट मेंटेनेंस वर्कशॉप में कंस्ट्रक्शन फील्ड का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर दें mg33@mghiwala.com पर। यह mghiwala ग्लोबल ऑफिस से सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए रिक्वायरमेंट है ऑयल एंड गैस में कमिशनिंग प्रोजेक्ट के लिए, इसका बहुत ही जल्द फ्लाइट होगा। इसका वॉक इन इंटरव्यू 9, 10, और 11 मार्च को हो रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट कमिशनिंग टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल कमिशनिंग टेक्नीशियन चाहिए और इलेक्ट्रिकल कमिशनिंग सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको रिलेटेड फील्ड से एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आप शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट मेल कर सकते हैं sin4@sinclus.com पर। यह फ्री रिक्वायरमेंट है सिनक्लस मार्केटिंग ऑफिस से सऊदी अरब के लिए, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री रिक्वायरमेंट है।
नेक्स्ट वैकेंसी बहरीन के लिए रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म जॉब के लिए फ्री रिक्वायरमेंट है, ऑयल एंड गैस कंपनी है। इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 11 मार्च को हो रहा है परगना में। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, पाइप फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल चाहिए और सिविल हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, 6 GT गेंड अर्क वेल्डर चाहिए, रिफैक्टरी मेसन की रिक्वायरमेंट है, पाइपिंग के लिए फोरमैन हाइड्रो टेस्ट फिट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रो टेस्ट कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है, पाइप फिटर ग्रेंडर स्प्रे पेंटर सैंड ब्लास्टर सीनियर पाइपिंग इंजीनियर जूनियर पाइपिंग इंजीनियर जूनियर प्लानिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको रिलेटेड फील्ड से ऑयल एंड गैस कंपनी का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है गल्फ से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स इनको मेल कर दें mechanical@indianpersonal.com पे, और क्लाइंट इंटरव्यू के दिन आप अपने ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये अंबे इंटरनेशनल ऑफिस से बहरीन के लिए फ्री रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए वैकेंसी है, बीएमएस सकाड़ा ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, HVAC टेक्नीशियन चाहिए और हाइड्रोलिक मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या ITI है और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है गल्फ का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसका इंटरव्यू चल रहा है आज 9 और 10 और 11 मार्च को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में मुंबई के सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट है। दोस्तों ये सभी वैकेंसियों के लिए आप डायरेक्ट ऑफिस विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं, इनमें आपका जॉब है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करें। और वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू।